हम देख रहे थे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव वाक्य से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसको हम देख रहे थे। आज हम प्रश्नवाचक वाक्यों को देखें कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर एक्टिव पैसिव में आता है तो किस तरह अपने को बनाना है। जैसे डू यू राइट ए लेटर, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। हम कहेंगे अपने इस वाक्य में डू आ रहा है आगे, तो ये ध्यान रखना है कि डू डज आए तो अपने को इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर करना है, ठीक है ना। इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगी वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यू को देखकर डू लगा था, अब ऑब्जेक्ट ए लेटर है जो कि एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग हो जाएगा, इज इज लग गया। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म लाओ क्या होती है, रिटर्न, और बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह वापस लगा देंगे, ये एक्टिव से पैसिव बदल गया प्रश्नवाचक का। इंट्रोगेटिव को कैसे बदलना है ये चीज़ ध्यान रखनी है। डज सी प्ले ए गेम, उसमें डू आ रहा था, इसमें देखो डज आ रहा है, अंतर है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्रिया हो गई, ए गेम अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और आगे क्या लगा है, डज लगा है। हम कहेंगे डू डज हो तो किसका प्रयोग करना है, इज आर एम का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट ए गेम है तो जब हम बढ़ाएंगे तो इज आ गया, यहाँ बहुवचन होता यहाँ पर तो आर आ जाता। इज ए गेम, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएं क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। बाय सी है, इसमें बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम वाक्य को बना सकते हैं प्रश्नवाचक को, कोई कठिन वाली बात इसमें नहीं है। अगला है इज ही ईटिंग मैंगोज, इसमें आगे अलग चीज़ आ गई, इसमें आगे इज आ रहा आ गया, इज आ रहा, इज आ रहा है तो आगे, बाकी तो वही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंगोज बहुवचन है तो इज आर एम ही के साथ इज आया था, लेकिन अपना अब सब्जेक्ट मैंगोज हो गया, उसके साथ हम इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर मैंगोज, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आई एन जी आता है और इज आर एम आता है तो एक चीज़ लगानी होती है, बी ई आई एन जी बींग, वो बींग जरूर लगाना अपने को, आर मैंगोज बीन। ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या आ गया, ईटन आ गया। बाई ही किस में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो दूसरा नियम हमने क्या ले लिया कि इज आर एम आता होगा तो वापस इज आर एम आएगा और बींग लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। और प्रश्नवाचक में यही होता है कि पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बींग का प्रयोग करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, प्रश्नवाचक के अंदर। और आप आसानी से एक्टिव से पैसिव को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई कठिनाई वाली बात इसके अंदर भी नहीं है, बस एक नियम अगर हम पकड़ के रखें तो आसानी से एक्टिव से पैसिव को हम चेंज कर सकते हैं नियमों को गौर करते हुए।